आज दिनांक 11 अगस्त 2022 को गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा द्वारा अशोक का वृक्ष लगाकर किया गया, जिसमें महाविद्यालय के समस्त प्रवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारु मेहरोत्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत शासन के अभियान को सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगा फहराए जाने को सभी स्वयंसेवक अपने आसपास गली मोहल्ले में जागरूक करेंगे एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का महत्व भी लोगों को समझाएंगे। कार्यक्रम में कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने भी अपने संबोधन में कहा कि हम सबको अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात स्वयं सेविकाओं ने लोगों को जागरूक करते हुए एक रैली निकाली। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा तथा डॉक्टर शेफाली अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। इसमें स्वयं सेविका अदीना, जैनब, अमन, ईशा, अदीबा आदि उपस्थित रहे। दीदी, क्या नाम आपका? मैं प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, प्राचार्य गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद। दीदी, 15 अगस्त को प्लस में क्षेत्रवासी ने क्या संदेश आपका? सबसे पहले तो मैं इस 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और साथ ही ये कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति देशभक्ति के प्रतीक हमारे इस तिरंगे को पूरी शान से और गर्व से अपने घरों में फहराएं और साथ ही हमारे वो देशभक्त जो देश की आज़ादी के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपना तन मन धन और अपने परिवार तक को इस देश के आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया, उन सभी को हम नमन करें, याद करें उनके बलिदानों को और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि विशेषकर युवाओं के लिए वही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और कम से कम अपने देश से प्यार करें और जो भी हमारे कार्य हो वो देश की उन्नति और प्रगति के लिए। क्या शुभकामना रहेंगी आपकी? क्या शुभकामना? मेरी शुभकामना है कि 75वीं वर्षगांठ हमारे इस देश में बहुत जोर शोर से जो मनाई जा रही है, मेरा सभी को ये संदेश है कि सभी लोग इस जलसे में अपनी भागीदारी तय करें और अपने अपने स्तर पर इसको वृहद रूप से मनाएं।